आप अध्यक्ष हैं और जयराम जी ट्वीट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बनारस से पीछे चल रहे हैं। देखिए, मुझे भरोसा है ये सरकार आधी आबादी की सरकार होने वाली है। 31 करोड़ बहनों ने वोट दिया, 31 करोड़। महंगाई को मुद्दा हमने बनाया, 1 लाख रुपया सालाना देने की बात पर मोहर लगते हुए दिख रही है। और मैं सबसे पहले कहूंगी, श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 10,000 किलोमीटर की यात्रा मोदी जी के 10 साल पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। आप महिला मतदाता पर आपका अपना दावा है, उधर भाजपा को भरोसा है कि महिलाओं ने मोदी जी के नाम पर ज्यादा भरोसा जताया होगा, आपको ऐसे कॉन्फिडेंट, इतना कॉन्फिडेंट कैसे आ रहा है कि महिलाओं ने कांग्रेस को ज्यादा वोट किया? देखिए, मोदी जी की ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रिजल्ट अभी देख लीजिए, 10 बजने को आ रहे हैं और कांग्रेस के अजय राय लीड ले रहे हैं 6,000 वोटों से। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्रधानमंत्री पीछे चल रहे हैं। हो सकता है आगे जाके बढ़त बने, बराबरी आए, कुछ भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री का पिछड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक संकेत है, बहुत बड़ा संकेत है। इंडिया अलायंस का जो सीट शेयरिंग है अब तक के रुझान के हिसाब से, वो एक तरीके से टक्कर देती हुई इंडिया अलायंस। बिल्कुल, हमने पहले क्या था, महाराष्ट्र की 48 सीटें और उत्तर प्रदेश इसमें बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। और वही उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, स्मृति ईरानी पिछड़ रही है, मोदी जी प्रदेश के प्रधानमंत्री होकर अभी तक पिछड़ रहे हैं, है ना। उसके बाद आप पूरा कर महाराष्ट्र देख लेंगे, जो इंडिया अलायंस है वो अच्छी खासी बढ़त देते हुए, मुझे अभी भी उम्मीद है 30 सीटें महाराष्ट्र में हम पार कर जाएंगे। दिल्ली को लेकर आपका क्या अनुभव है? दिल्ली से आप दावेदार भी थी टिकट के, और अगर आपकी अलायंस इंडिया अलायंस जीतती है तो खुशी भी होगी और गम भी होगी आपको? देखिए, मुझे नहीं, मुझे कोई गम नहीं है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं दावेदारी थी, बिल्कुल थी, और जिस चांदनी चौक से मेरे दावेदारी थी, मुझे भरोसा सबसे पहले दिल्ली में 1 सीट आते हुए दिखेगी तो वो चांदनी चौक आपको जो है वो दिखेगी। सो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा था, जिसकी दिल्ली उसका देश, और स्वाभाविक है जब देश हमारा है तो दिल्ली भी हमारी होने वाली है। जीतते हैं तो कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, अरविंद केजरीवाल की? नहीं, दिल्ली में तो देखिए इंडिया अलायंस, दिल्ली में इंडिया अलायंस की है, और इंडिया अलायंस में दिल्ली के अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा, उस लाल किले की प्राचीर, जिस लाल किले को मोदी जी ने गिरवी रखा था, उसी लाल किले की प्राचीर पर वो यात्रा पहुंची, तो एक संदेश कांग्रेस की जीत होगी। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो था, उसका बहुत बड़ा इसमें रोल है, क्योंकि इसमें जवान, किसान, बेरोजगार, महिलाएं जुड़ी थी। तो मुझे साफ लग रहा है कि पूरा श्रेय राहुल गांधी जी के इन प्रयासों को और इंडिया अलायंस को एकजुट करते हुए, बिना डरे बिना झुके, 2 मुख्यमंत्री बीच चुनाव में जेल भेज दिए गए, लेकिन पूरा इंडिया अलायंस हिला नहीं, डटा रहा मुद्दों पर और चुनाव को लड़ा है। ट्रेंड रहेगा या आपको लगता है ट्रेंड आगे चेंज हो सकता है? थोड़ा 19-20 हो सकता है, पर मुझे लगता है लगभग 10 बज रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, पर इंडिया अलायंस की सरकार बनते हुए इस देश में दिख रही है। देखिए, मोदी जी की ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रिजल्ट अभी देख लीजिए, 10 बजने को आ रहे हैं और कांग्रेस के अजय राय लीड ले रहे हैं 6,000 वोटों से। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्रधानमंत्री पीछे चल रहे हैं। हो सकता है आगे जाके बढ़त बने, बराबरी आए, कुछ भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री का पिछड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक संकेत है।